हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए साधारण ब्याज लेकर आए हैं, यानी साधारण ब्याज से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से हल किए जाते हैं, तो आज हम उसका पूरा सलूशन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम साधारण ब्याज के बारे में आज पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज देखते हैं आज। तो पहले हम इसको पढ़ लेंगे, मूलधन होता क्या है। तो चलिए, मूलधन के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यानी जब हम कोई भी धन उधार लेते हैं तो यह उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। यानी जब हम कोई भी धन उधार लेते हैं तो यह उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। अगला देखेंगे हम, ब्याज है। यानी उधार लिए गए धन पर जो अतिरिक्त राशि देने वाले को चुकाते हैं तो यह अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है। यानी उधार लिए गए धन पर जो अतिरिक्त राशि उधार देने वालों को चुकाते हैं तो यह अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है। आगे हम दर देखेंगे, यानी दर किसे कहते हैं। तो उधार ली गई राशि पर हमें एक निश्चित दर पर ब्याज चुकाना पड़ता है, जिसे हम दर कहते हैं। यानी उधार ली गई राशि पर हमें एक निश्चित दर पर ब्याज चुकाना पड़ता है, जिसे हम दर कहते हैं। तो चलिए, इसका हम फार्मूला देख लेते हैं, कौन कौन सा फार्मूला है इसमें। पहला है साधारण ब्याज बराबर, यानी यदि आपको साधारण ब्याज पूछ ले तो आपको ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 हो जाएगा। यदि आपसे मूलधन पूछ लिया जाए तो आपका ये वाला सूत्र लगेगा, यानी मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। यदि आपको मूलधन पूछना है तो आपको ये दूसरे नंबर वाला फार्मूला लगेगा। यदि आपसे दर पूछ लिया जाए तो दर बराबर ब्याज गुणे समय बटे मूलधन गुणे समय, ये वाला सूत्र लगेगा। यदि आपसे समय पूछ लिया जाए तो समय बराबर ब्याज गुणे समय बटे मूलधन गुणे दर, तो आपका ये वाला सूत्र लगेगा। तो चलिए दोस्तों, ब्याज से संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको ये इसमें साधारण ब्याज निकालना है। चलिए दोस्तों, हम सॉल्व करते हैं। सूत्र है, इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी साधारण ब्याज वाला। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो चलिए, इसके आधार पर हम हल करते हैं। तो मूलधन आपका कितना है, मूलधन है आपका 2000 गुणे 5, यानी आपको जो दर है वो कितना है, 5 है, और समय आपका 3 है। चलिए दोस्तों, इसे हम सॉल्व करते हैं। यानी इसके आधार पर हमने यहाँ पे रख दिया, तो अब इसके नीचे हम 100 रखेंगे। चलिए 100 रखते हैं, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य हमारा कट जाएगा, उसके बाद 5 और 3 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। उसके बाद यानी 5 गुणे 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। उसके बाद हमें 15 को 2 में करना है मल्टीप्लाई, यानी 15 गुणे 2 तो हमारा आ जाएगा 15 दूना 30। तो उसके बाद यहाँ पे 2 के बाद 1 शून्य बचा था, तो उस शून्य को हम यहाँ लिख लेंगे, तो ये हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा 300। तो दोस्तों, ये आ गया हमारा राइट आंसर 300, साधारण ब्याज इसका 300 है।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितने ही आसान तरीके से हमने लगाया है क्वेश्चन साधारण ब्याज से संबंधित। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 5,000 का कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 होगा। तो इसका फार्मूला दर गुणे ब्याज गुणे समय, यानी दर बराबर ब्याज गुणे समय, मूलधन गुणे समय आदि का सूत्र लगेगा। तो चलिए इसके आधार पर हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। यानी हमें इसमें दर दर निकालना है। तो 5,000 गुणे, यानी 5,000 हमारा ब्याज है, उसके बाद हम 100 लगाएंगे, यानी यहाँ पे हमारा दर पूछ रहा है, उसके बाद है 2 रहेगा, यहाँ साधारण ब्याज 2,000 है। तो आपका 2,000 गुणे 100 हो जाएगा। और मूलधन आपका कितना है, 5,000 है गुणे आपका जो समय है वो है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं समय। तो समय हमारा यहाँ कितना है, 2 वर्ष है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तीन शून्य से हमारा 3 शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2 ना 10, यानी 5 2 ना 10 हो जाएगा। और ये यानी 5 एकम 5, ये 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, ये कट जाएगा, 5 2 ना 10, तो हमारा आ गया राइट आंसर 20%। आप देख सकते हैं हमारा आ गया राइट आंसर 20%, यानी दर पूछ रहा है, तो हमारे ये दर कितना आया, 20% आ गया ये। तो ये था दर से संबंधित। इसके पहले हम आपको बताए थे साधारण ब्याज निकालना, तो इसमें दर निकालने के लिए इस प्रकार के फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2,000 रुपये का 24% की दर से 16 महीनों का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी यहाँ पे आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो 2,000 रुपये का 24% की दर से 16 महीनों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो ये महीना पूछा गया है, तो 16 महीनों में 12 से डिवाइड करके वर्ष में हम चेंज करते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और समय वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी एक साल में आपका 12 महीने होते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। मूलधन हमारा है 2,000 गुणे जो हमारा दर है वो 24% है, तो हम यहाँ 24 लिखेंगे। उसके बाद जो समय है, तो यहाँ हमारा 16 महीने है, तो हम यहाँ 16 लिखेंगे। उसके बाद 100 है, 16 जो है उसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे। यदि यहाँ पे महीना दिया गया हो, जो आपका वर्ष है यानी जो समय है, यदि महीना दिया गया हो तो आप इसे 12 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह लग जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। 12 एकम 12 हमारा आ गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 12 दूना 24। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 16 दूना हमारा 32 हो जाएगा, उसके बाद 32 दूना, यानी चलिए आसान तरीके से हम सॉल्व करते हैं, 16 दूना 32 आ गया, उसके बाद 32 दूना, यहाँ पे हम 32 दूना 64, 32 दूना 64 हो गया। तो यहाँ पे हमारे 10 बचा था, तो इसे हम यहाँ पे ले आएंगे, तो हमारा 660
सॉरी 640 राइट आंसर आ जाएगा हमारा, यानी साधारण ब्याज जो है वो हमारा 640 आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने ही आसान तरीके से हमने साधारण ब्याज निकालना बताया है आपको, यानी साधारण ब्याज से संबंधित जो क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।